हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है देन उसका इम्पैक्ट किसी भी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट में कितना आता है। मींस जो भी कंपनी ने इशू लेके आई है, अगर किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने उस कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो क्या उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, यही हम समझने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो सितंबर 5 को अनाउंस कर रही है अपना बोनस इशू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो क्या सितंबर 5, 2024 को 1:1 की रेशियो में बोनस इशू लेके आ रही है। इसका मतलब कि जिसके पास एक शेयर है उसको एक और शेयर मिलेगा। अगर मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री के 100 शेयर हैं, आफ्टर बोनस इशू मेरे पास जो है 200 शेयर्स हो जाएंगे। इट डजंट मीन कि मेरी इन्वेस्टमेंट भी डबल हो जाएगी। तो बोनस इशू आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट डालता है, वो एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने जो बोनस इशू निकाला है 2:1 की रेशियो में निकाला है। इसका मतलब क्या है कि जिस पर्सन के पास 1 शेयर होगा उसको उस कंपनी के 2 और शेयर्स मिल जाएंगे। अब आफ्टर बोनस इशू उसके पास 3 शेयर्स हो जाएंगे। तो अगर मेरे पास 100 शेयर्स हैं अभी और शेयर की जो मार्केट में प्राइस है वो 300 पर शेयर है, राइट? तो अभी मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, अभी मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 30,000। अब कंपनी जो है वो बोनस इशू लेके आती है। बोनस इशू आने के बाद जो भी मेरे पास एक शेयर था उसके बदले में मुझे 2 और शेयर्स मिलते हैं। मींस एक्स्ट्रा शेयर जो मुझे मिले वो कितने मिले, 200 एडिशनल शेयर्स मिल गए। अब मुझे बताइए मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए, 100 ओरिजिनल शेयर्स हो गया और 200 बोनस शेयर्स हो गए। टोटल मेरे पास जो है वो 300 शेयर्स हो जाएंगे। क्या 300 शेयर्स जो पहले मार्केट प्राइस थी 300, तो इट मीन्स 3 × 3, क्या मेरा जो मार्केट वैल्यू होगा उन शेयर्स का, क्या अब वो 90,000 हो जाएगा? नहीं, मार्केट की जो प्राइस होती है उस शेयर की उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है। मींस जो वो प्राइस होगी 300 है, अगर टोटल अब जिसके पास एक शेयर है अब वो 3 हो गए हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। अब भी मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 30,000 हो जाएगा। तो मींस कि बोनस इशू होने से कोई इम्पैक्ट नहीं आता, नहीं ऐसा नहीं है। आपको कुछ ना कुछ जो है आपकी इन्वेस्टमेंट में जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज आता है। वो कैसे कि जो रिलायंस लेके आई है ना अपना बोनस इशू, उनका जो प्राइस था क्या है, वो प्राइस अभी 3,000 था, 3,000 से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो हर एक के लिए वो एक्सेसिबल शेयर नहीं होता। जब प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जब कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो वो अपने प्राइस को नीचे लेके आना चाहती है। तो अब देखो इस कंपनी का भी अगर एग्जांपल हो, तो अभी इसका 1 शेयर का प्राइस 300 चल रहा था, बट आफ्टर बोनस इशू जो 1 शेयर का प्राइस है वो कितना हो गया, वो 100 हो गया। इट मींस के जो लोग 300 को जो है नहीं बाय कर सकते थे, अब वो भी इन्वेस्टर मार्केट में आएंगे, उन शेयर्स को बाय करने लगेंगे। तो मींस इन्वेस्टर्स को जो है अट्रैक्ट करने के लिए अपनी प्राइस को जो है कंपनीज कम करती हैं थ्रू बोनस इशू, जिससे कि वो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर उनके शेयर्स की जैसे ही डिमांड बढ़ती है, तो कितने पे आया, 100 पर नहीं, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 100 ना होके कुछ 106, 107, 108, टोटल डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशन। जब भी बोनस इशू होता है ना, ऑलवेज एक मैक्सिमम टाइम जो है वो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है कि भी जो कंपनी है वो बोनस इशू कर रही है, इट मींस कि वो अपने रिजर्व को कंपनी की ग्रोथ के लिए जो है वो आगे यूज़ करेगी। तो इस एक तो मार्केट प्राइस जो है डाउन हो गया उस शेयर का, उससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है कि कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो इससे क्या होता है, जो शेयर प्राइस है ना, ये 100 ना होके ऊपर होता है, तो वही जो जितना इंक्रीज होगा वही जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करता है। इट डजेंट मीन कि अगर कंपनी ने बोनस इशू किया है 1:1 की रेशो में कि आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट में थोड़ा इंक्रीज होता है, वो 8 to 9% होता है, डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशन। सो इट्स अबाउट बोनस इशू, क्या इम्पैक्ट आता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर। ओके, बाय।